दोस्तों सब्सक्राइब करें बजट गार्डनिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गार्डनिंग चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो अपराजिता के पौधे होते हैं उसे हम ग्रो करने वाले हैं सीड से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने में अपराजिता के कुछ सीड्स मैंने पहले से लगा रखे थे। तो करीब एक महीने पहले मैंने इन सारे सीड्स को लगाया था और जिसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है और जर्मिनेशन लगभग सारे सीड्स ग्रो कर चुके हैं और कुछ सीड्स अभी छोटे हैं और ये भी ग्रो कर रहे हैं। इनका भी जर्मिनेशन हो गया है, लीव्स आने शुरू हो गए हैं और साथ में कुछ और भी हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सीड से बहुत आसानी से बिना किसी मेहनत के हम जो अपराजिता के पौधे होते हैं उसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो पैकेट है जो सीड्स हैं जिसमें अपराजिता के, और ये इसमें जो सीड्स हैं वो वाइट कलर के अपराजिता के हैं और ये सिंगल पेटल हैं। और ये जो आप सीड देख रहे हैं ये ब्लू अपराजिता के सीड्स हैं जो कि डबल लेयर फ्लावर होते हैं इसके। तो ये जो सीड्स आप देख रहे हैं वो मैंने किसी फेसबुक पोस्ट के थ्रू मंगवाया था और ये मुझे करीब 50 रुपए के ये सारे सीड्स पड़े थे। मुझे याद नहीं है मैंने किस सेलर से मंगवाया था, उनका मुझे नाम याद नहीं है। बट अगर आप सीड्स चाहते हैं तो आप प्रकृति गार्डन को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपराजिता के पौधे को सीड से ग्रो करना बहुत आसान है, आप इसे काफ़ी आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड्स को सिर्फ कहीं फेंक देते हैं, किसी पॉट में डालकर छोड़ भी देते हैं तो भी आपके जो सीड की जर्मिनेशन है वो हो जाएगी, आपके जो पौधे हैं वो ग्रो कर जाएंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है, काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाता है और इसकी आप ज़्यादा केयर नहीं भी करते हैं फिर भी ये अपना ग्रोथ करते रहता है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है जो वाइट कलर में। अब तो इसमें काफ़ी सारे सीड्स आ गए हैं, पहले मैंने इसमें सिर्फ ब्लू और वाइट देखा था और अब जो अपराजिता के सीड्स आ रहे हैं उनमें काफ़ी सारे सीड्स मिल रहे हैं। आपको लाइट पिंक मिलता है, लाइट पर्पल मिलता है और वाइट और ब्लू तो आपको पहले से मिल रहे हैं सीड्स। तो आप कोई भी सीड लेकर ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हैं किसी ग्रुप में जहाँ पे प्लांट सेल किए जाते हैं तो अक्सर अपराजिता की जो सीड्स होती हैं वो सेल के लिए आते रहती हैं। आपको जो सेलर अच्छा लगे आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे सीड्स को ग्रो करते हैं, देखते हैं कैसे इन्हें हमें ग्रो करना है। तो मेरे पास दो कलर के सीड है इसलिए मैं दो पॉट यूज़ कर रहा हूँ, एक में वाइट लगाएंगे और दूसरे में ब्लू वाला। तो इसके लिए किसी खास सॉइल की प्रिपरेशन नहीं करनी होती, जो भी आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें आप सीधे सीड्स को लगा सकते हैं और काफ़ी आसानी से वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने दो पॉट लिया है और ये प्लास्टिक के पॉट है, आप किसी भी मिट्टी के पॉट भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट ज़मीन में भी आप इसे इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और अगर मैं पॉटिंग मिक्स की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ रेत कंपोस्ट और जो मिट्टी है गार्डन की वो है। तो चलिए अब एक एक कर जो हमारे सीड्स हैं उसे इन पॉट्स में लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं जो वाइट अपराजिता के सीड्स से उन्हें मैं लगा रहा हूँ। तो आप सीड के कलर से भी पता कर सकते हैं कि फ्लावर कौन से कलर के आएंगे इस पे। तो ये थोड़े सीड वाइट कलर पे हैं और ये डार्क ब्लैक कलर के हैं और मुझे अभी तक पिंक और लाइट जो पर्पल है वो मिला नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उनकी सीड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये जो वाइट कलर के सीड्स हैं उन्हें हम लगा देते हैं। तो हमारी जो वाइट अपराजिता के सीड्स थी उन्हें हमने लगा दिया है और अब जो हमारी ब्लू अपराजिता के सीड्स हैं उन्हें हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सीड्स हैं जो हमने लगा दिया है और इसमें भी ये सब सीड्स हैं जो हमने इसे लगा दिया। अब सिर्फ टाइम है इसमें पानी देने का। तो हमने सीड्स को लगा दिया है और सीड को कवर कर दिया है मिट्टी की हल्की सी एक लेयर से। इससे होगा क्या कि जो हमारी सीड है वो अपनी जगह से हटेगा नहीं जब हम उसे पानी देंगे। और अब हमें सिर्फ पानी देना है और पानी हम इसे शॉवर से देंगे। अगर डायरेक्ट हम पानी इसे देते हैं तेज़ धार से तो जो सीड है हमारी वो अपनी जगह से हट जाएंगे। तो हमारा पानी देने का काम पूरा हो चुका है, अब हमें सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों पॉट्स को किसी शेड वाले जगह पे उठाकर रख देना है। मैं इन दोनों पॉट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखने वाला हूँ। तो अगर आप इन दोनों पॉट को डायरेक्ट धूप में भी रख देते हैं फिर भी इनका जर्मिनेशन हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 30 से 40 दिनों के बाद का अपडेट है और जब आप सीड लगा देंगे उसके 30 से 40 दिनों के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है।
और ये प्लांट बिल्कुल तैयार है किसी दूसरे जगह रिपोर्ट करने के लिए। आप इसे पॉट में लगा सकते हैं या जमीन पे लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ सीड अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ दिनों में इनमें भी जो ट्रू लीव्स है वो आनी शुरू हो जाएंगी और फिर भी अपना ये जो नॉर्मल ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देगा। और ये जो सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं इन्हें हम अब रिपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ भी हमें इन्हें ग्रो करना है वहाँ लगा सकते हैं। और इसे ग्रो करने के लिए कुछ खास सॉइल मिक्स नहीं चाहिए होता है हमें, आप इसे नॉर्मल मिट्टी में भी लगा देते हैं तो अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो इसके लिए आप वैसे पॉटिंग मिक्स यूज करें जिसमें मिट्टी हो, रेत हो और कंपोस्ट हो। सिर्फ ये तीन चीज़ भी अगर आप मिक्स करके इसमें आप पौधे को लगाते हैं अपराजिता के, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।